हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर के बारे में जितने फैक्ट्स हैं वो सभी देख लेंगे प्रॉपर तरीके से। और इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सभी जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं वो सभी सोर्सेज को मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से आप इसको देख लेना और जितने फैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हो नोट डाउन जरूर कर लेना। सेशन को शेयर कर देना ताकि और बच्चों तक भी ये चीज़ें पहुँच जाएँ। स्टार्ट करते हैं। देखो, डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो फुल फॉर्म डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये कम्प्लीटली 100% ओन बॉडी है इंडियन रेलवे की। इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरटेक प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रक्शंस मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर। द DFCCIL वॉज रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर एक्ट 1956 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 2006 में ये इस्टेब्लिश हो गई। पहले दो DFCs थे, WDFC एंड EDFCs, उनको फॉर्म किया गया। WDFC जो है वो दादरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से GNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये है मुंबई में। EDFC जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर, ये लुधियाना जो कि पंजाब में है से धनकुनी जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। इसके बाद इट इज़ बोथ इनेबलर एंड बेनिफिशरी ऑफ अदर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स सच एज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सागरमाला, भारतमाला, डिजिटल इंडिया। इसमें नेक्स्ट देखेंगे। देखो, हिंदी में मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, तो आप ये मत लिखना कमेंट बॉक्स में कि हिंदी में दो। हिंदी में मैं पर्टिकुलर आपको हिस्ट्री या इतिहास लिख के दूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको मेन समझना है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर सारे पॉइंट एक साथ समझा रहा हूँ। मुझे कोई भी व्यू नहीं चाहिए जिसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ एक ही टॉपिक के लिए, जो मात्र 30 से 40 मिनट में सारा टॉपिक कवर हो सकता है मैं उसको अलग अलग वीडियो में मेंशन नहीं करूँगा। इन अप्रैल 2005 वेयर इन इंडिया एंड जापान अनाउंस कोलेब्रेशन फॉर फिजिबिलिटी एंड पॉसिबल फंडिंग ऑफ द डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर एंड राइट्स वॉज एंटरेस्टेड विद द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर फॉलोड बाई फॉर्मेशन ऑफ ए प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स टू प्रिपेयर ए कंसेप्ट पेपर ऑन डेली मुंबई वेस्टर्न एंड डेली हावड़ा ईस्टर्न। बेसिकली क्या है, इसका पूरा जो जिम्मा है, इंडिया और जापान में एक ट्रीटी हुई, एक कोलेब्रेशन हुआ, और किसके रिगार्डिंग, फ्रेट कॉरिडोर के रिगार्डिंग, और इसका पूरा जो जिम्मा है वो लिया राइट्स ने। राइट्स क्या करती है, बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इंडियन रेलवे है, उसकी बॉडी है, उसकी सब्सिडरी बॉडी है। और इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम था कि ये एक पेपर वर्क करे और ये देखे कि फिजिबल है या नहीं जो प्रोसेस, जो कॉरिडोर वो फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी चेक करे। तो ये इसका काम था राइट्स के बारे में। और शुरुआत में दो प्रस्तावित किए गए, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न में दिल्ली से हावड़ा और वेस्टर्न में दिल्ली से मुंबई। इसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि राइट्स जो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में, और DFC का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए 1974 है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मेन क्या है, मेन इसका जो फील्ड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, अंडर द 11th फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया 2007 टू 2012 द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC इन टू लॉन्ग रूट, नेमली द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। द टू रूट कवर ए टोटल लेंथ ऑफ 3,260 किलोमीटर। बेसिकली ये जब प्लान आया था तब ईयर था 2006 के बाद इन 2007 क्या हो गया, ये DFC कम्प्लीटली स्टार्ट हो गया। और ये 2007 है ये किस प्लान के अंडर में आता है, किस फाइव ईयर प्लान के अंडर में आता है, तो वो आता है 11th फाइव ईयर प्लान में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस फाइव ईयर प्लान में ये स्टार्ट हुआ था DFC, तो हुआ था 11th फाइव ईयर प्लान में। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर लेंथ कितनी है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न की टोटल लेंथ, ईस्टर्न की 1834 समथिंग और वेस्टर्न की 1504 समथिंग, तो टोटल ऑलमोस्ट 3,260 किलोमीटर का जो है अभी जो है ऑपरेशनल है। बाकी चार रूट हैं उन पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कम्प्लीटली आगे। इसके बाद अपग्रेडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन इन यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर द फोकस एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। मेनली इस DFC जो है
इसके मेन एरिया क्या था, मेन इसका फोकस कहाँ था? इसका मेन फोकस था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वाया ट्रक या फिर वाया दूसरा और मेथड्स, तो उसके जो कॉस्ट है वो कम हो जाए और जो टेक्नोलॉजीज है वो अपग्रेड हो। तो ये इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव था। अब इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली, दूसरा आपसे रेलवे मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, और इसके चेयरमैन पूछे तो वैकेंट है, बट लास्ट जो चेयरमैन थे वीके यादव, उनको अभी इसमें फिलहाल तौर पर रखा हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर है रविंद्र कुमार जैन। और रेवेन्यू आपसे पूछा जाए तो 108 करोड़ का रेवेन्यू था 2019 में। अभी 2021 का डेटा नहीं था, तो आप अगर ऑप्शन आता है 2021 का, जब तक पता लगता है मैं आपको बता दूंगा, बट नहीं आता है तो 108 से ऊपर का ही आप आंसर करोगे। अब इस नेक्स्ट पॉइंट में है नीड फॉर डीएफसी, यानी कि डीएफसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो डीएफसी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो डीएफसी है, पहले इंडियन रेल क्या करता था, इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट करता था, साथ में पैसेंजर रेल भी चलती थी। तो पैसेंजर ट्रेन को पहले निकाला जाता था और फ्रेट ट्रेन को बाद में निकाला जाता, जिसकी वजह से क्या होता था, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो ज़्यादा आती थी, जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो जाती थी, एक्सेल लोड बढ़ जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता था और रेवेन्यू कम आता था, रिजल्ट कुछ आता नहीं था। तो इसकी वजह से क्या किया, इन्होंने एक अलग ट्रैक बनाया जिस पे ओनली फ्रेट ट्रेन जो है वो चलेंगी और कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अगले 2-3 साल थे उनमें ही 8 से 10%, 11% की ग्रोथ देखने को मिली। तो बेसिकली ये कंप्लीट डीएफसी की नीड थी जिसकी वजह से डीएफसी को फॉर्म किया गया। और दूसरा इंक्रीज कैपेसिटी, तो जो डीएफसी है शैल रिफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड विल क्रिएट मोर कैपेसिटी ऑन ट्रंक रूट ऑफ इंडियन रेलवेज एज गुड ट्रेन्स शैल बी एबल टू रन फ्रीली ऑन डीएफसी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। मैंने आपको बताया कि पैसेंजर ट्रेन को पहले निकाला जाता था, अब अलग ट्रैक बन गया, तो कोई भी पैसेंजर ट्रेन का झंझट नहीं है, पैसेंजर ट्रेन होती नहीं है डीएफसी के जो रूट है वहाँ पर। तो बेसिकली जो पहले रजिस्ट्रेशन थी कि पहले पैसेंजर ट्रेन को निकाला जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन हट चुकी हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और रन होगी फ्री, कंप्लीटली बिना किसी रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर तरीके से रन होगा जब डीएफसी में। तो ट्रेन क्या होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी देंगी, कॉस्ट कम लगेगी, रेवेन्यू अच्छे जनरेट होगा। अराउंड 70% ऑफ फ्रेट ट्रेन करेंटली रनिंग ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क आर सिलेक्टेड टू शिफ्ट द फ्रेट कॉरिडोर्स लीविंग द पाथ ओपन फॉर मोर पैसेंजर ट्रेन। अब बेसिकली इंडियन रेलवे में जहाँ पहले पैसेंजर के साथ मालगाड़ियाँ खड़ी खड़ी रहती थी, अब मालगाड़ियाँ वहाँ से हट गई हैं, डीएफसी की तरफ चली गई, तो 70% ऑफ फ्रेट ट्रेन जो है वो अब करंटली क्या हो रही हैं, इंडियन रेलवे में जो रन होती थी अब वो शिफ्ट कर दिया है फ्रेट कॉरिडोर में, डीएफसी में। तो अब क्या हो रहा है, पैसेंजर ट्रेन के लिए जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं वो अवेलेबल हैं, इजीली पाथ जो है वो अवेलेबल है। बिजनेस जनरेशन ट्रैक्स ऑन डी एफ सी आर डिजाइन टू कैरी हैवियर लोड्स दैन मोस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज। डी एफ सी विल गेट ट्रैक एक्सेस चार्ज फ्रॉम द पेरेंट इंडियन रेलवेज एंड ऑल्सो जनरेट इट्स ओन फ्रेट बिजनेस। बहुत सारी बिजनेस कंपनीज जो है यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। पंक्चुअलिटी द न्यू जंक्शन मीन्स ऑन द इंडियन रेलवे मेन लाइन मोर पैसेंजर ट्रेन कैन बी बम्प्ड इन एंड दोज ट्रेन कैन इन टर्न अचीवर बेटर पंक्चुअलिटी। बेसिकली क्या है, पहले लिमिटेड जो पैसेंजर ट्रेन थी वो चल पाती थी क्योंकि लाइन ही ब्लैंक्स होती, लाइन ही खाली नहीं होती थी, वहाँ मालगाड़ियाँ खड़ी रहती थी। अब क्या है, लाइन ब्लैंक है तो हम काफ़ी सारी पैसेंजर ट्रेन को चला सकते हैं। दूसरा, हम किसी पैसेंजर ट्रेन को वेट नहीं करा सकते, अब सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, टाइम पर ट्रेन पहुँचेगी, जिससे होगा क्या, टाइमली जो बाउंड है ट्रेन का कि टाइमली चीज़ों को पहुँचाना, पैसेंजर को पहुँचाना, गुड्स को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, तो सारे जो उसके टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें बेनिफिट, बेनिफिट पर देखते हैं कि डीएफसी के बेनिफिट क्या है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो गई है। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या है कि सामान को रखा रहता था, फिर उसके बाद ट्रेन आती थी तब चढ़ाते थे, तो ट्रेन एक दूसरे स्टेशन पर ऑलरेडी क्या है, वहाँ पर स्टॉप्ड है, तो जो अगले स्टेशन है जहाँ पर सामान रखा हुआ है वो अब रखा ही रहेगा, तो जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती आती थी, तो इसका क्या हुआ, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो अब रिड्यूस हो गई है क्योंकि ट्रेन टाइम पर पहुँच रही है, स्टेशन पर पहुंच रही है टाइम पर, और वहां से जल्दी लोड हो रहा है, जल्दी जो है टर्मिनेशन पॉइंट तक पहुंच रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। हायर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, बेसिकली ट्रैक ही अलग हो गया है, फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक अलग हो गया है, तो इससे क्या हो गया है, जो गुड्स है वो टाइम पर पहुँच रहे हैं। इट्स इज एनवायरमेंटली एनवायरमेंट फ्रेंडली, बेसिकली सारे जितने भी डीएफसी कॉरिडोर्स हैं, जितने भी हैं ट्रेन्स हैं डीएफसी वाली, तो डेडिकेट ट्रेन
कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स इलेक्ट्रिक सिस्टम पर चल रही हैं, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इट विल प्रोवाइडेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसने काफ़ी सारा बिजनेस खड़ा कर दिया, आपकी जॉब लग रही है, ये भी क्या है, एक एक तरह का एक जो है रोजगार उत्पन्न करना है। हेल्प इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, सीधी सी बात है, दोनों एक ही सिमिलर चीज़ है, बिजनेस डेवलपमेंट करना और जो है अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। नेक्स्ट इसमें है गोल्डन क्वार्टर फ्रेट कॉरिडोर। बेसिकली क्या है, हमने अभी तक पढ़ा कि दो DFCs को फॉर्म किया गया, बट आफ्टर 2018 जो चार DFCs हैं, चार DFCs और फॉर्म किए गए और टोटल DFC हो गए 6, और वो सभी DFC आपके कुछ इस तरह से दिखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसमें चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज कनेक्ट होती हैं। तो इसको बोलते हैं हम GQFC, यानी गोल्डन क्वार्टर फ्रेट कॉरिडोर। अब इसको प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं, इसमें क्या है कि GQFC हैज 6 DFCs, 2 are being implemented एंड द फंडिंग फॉर द रिमेनिंग 4 वाज अप्रूव्ड इन जनवरी 2018। जनवरी 2018 में चार जो रिमेनिंग DFCs थी उनको भी क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। द रेल ट्रैक लिंकिंग 4 largest मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, 2 terminals नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ में जो है दिल्ली टू चेन्नई और ईस्ट वेस्ट में कोलकाता टू मुंबई, आर कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रेटर। ये कंप्लीट जो है ये 6 जो DFCs बन रहे हैं ये क्या है, GQFC। दीज कैरी 55% ऑफ इंडियन रेलवेज फ्रेट ट्रैफिक ओवर ए टोटल 10,122 किलोमीटर रूट लेंथ। बेसिकली जो अभी तक 3,260 किलोमीटर की जो लेंथ थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, वो 10,122 हो गई है, लेकिन अभी ये सिर्फ कागजों में, वहाँ ऑपरेशनल जो है वो कितनी है, ये वाली है। अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो जितनी भी 6 DFCs है GQFC, तो उनके बारे में कितनी लेंथ है, दूसरा ये कि जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख भी लेंगे कि वेस्टर्न डीएफसी को प्रॉपर तरीके से यहाँ देखोगे तो देखो ये वेस्टर्न डीएफसी है। वेस्टर्न डीएफसी क्या है, ये वाला जो रूट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वेस्टर्न डीएफसी है। ईस्टर्न डीएफसी है यहाँ से लेके यहाँ तक का रूट, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब जो चार नए रूट बने हैं वो ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर वाले जो रूट हैं वो सभी न्यू हैं, वो न्यू हैं जो जनवरी 2018 में स्टार्ट किए गए थे, और जो यहाँ पर रेड में है वो सभी पहले ही स्टार्ट कर दिए गए थे 2007 में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी आएगी ये कि वेस्टर्न डीएफसी जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो वो है 1,504 किलोमीटर, और ईस्टर्न डीएफसी जो है उसकी लेंथ कितनी है, तो वो है 1,840 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट यानी कि यहां से ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है कुछ इस तरह से, तो ईस्ट और वेस्ट यहां से ये दोनों जो कनेक्ट हो रहा है ये कितनी है, 2,330, और नॉर्थ साउथ की कितनी है, ये भी ऑलमोस्ट 2,330 है। ये दोनों मैंने क्या है लगभग अप्रॉक्स लिखी है, क्योंकि ये 2,328 कम समथिंग थी और ये 2,327 समथिंग थी। कई जगह पर आपको ये मिस्टेक मिलेगा, तो ध्यान रखना है, इसको करेक्ट कर लेना। बेसिकली इसको फाइनल कॉर्पोरेट प्लान से मैच किया गया है, तो कई विकीपीडिया पर इसमें गलती दे रखी है, तो इसको थोड़ा सा मैच कर, इसको सही कर लेना, ठीक है, अपने नोट्स में। यही है इसका फाइनल, ये अप्रॉक्स मैंने लिख दिया 2,328 है, एक में 2,327 है, तो मैंने इसको अप्रॉक्स लिख दिया 2,330, ये करेक्ट है। जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है वो एकदम करेक्ट है। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना है, ये 2,330 है सेम। ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड ट्रेड ये कितना है, ये है 1,115, और साउथन ये कौन सा है, ये है आपके 899। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे स्टार्टिंग पॉइंट टर्मिनेशन पॉइंट पूछ सकता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वेस्टर्न का कहाँ से है, दादरी से JNPT, लुधियाना से धनकुनी, खड़गपुर से भुसावल, और विजयवाड़ा से इटारसी, और खड़गपुर से विजयवाड़ा सेम, और मडगांव से चेन्नई। ठीक है, इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। प्लीज देखो ये डायग्राम है प्रॉपर तरीके से। अब इस डायग्राम में देखोगे आप तो यहाँ क्या है, ये जो है ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा साउथ, इसमें यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट में ये क्या है, मुंबई, ये है चेन्नई, और ये है आपके कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में है, और ये है आपके पंजाब, ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, दादरी वाला पॉइंट। अब यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो जाती हैं जो आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब पहली बात,
आपको ये दादरी से लेके, दादरी ये वाला पॉइंट है, तो दादरी से लेके जो नवी मुंबई तक जेएनपीटी है, जेएनपीटी येरा, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न डीएफसी। और सेम दादरी से लेके जो आपका दनकुनी तक है वो है आपका ईस्टर्न डीएफसी। और सेम ईस्ट वेस्ट में बात करें तो ये हो जाएगा खड़गपुर से, ठीक है, कहाँ तक, भुसावल तक, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट। और नॉर्थ साउथ क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ में है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से इटारसी, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। इटारसी यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इटारसी। इसके बाद जो साउथन है, ईस्टर्न है, तो साउथन तो हो जाएगा ये वाला और ईस्टर्न हो जाएगा ये वाला, ठीक है जी। तो ये चारों आपके कवर हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। ये लाइन कवर हो गई, ये वाली लाइन कवर हो गई, ये वाला ईस्टर्न है, ईस्टर्न वाला ईस्ट कोस्ट कितना हो जाएगा, ये खड़गपुर से विजयवाड़ा है, खड़गपुर से विजयवाड़ा, थोड़ी उल्टा रख दिया मैंने आई थिंक, ये विजयवाड़ा है, ये आपके खड़ग, ये इटारसी है, तो ये विजयवाड़ा हो गया। और आपके ये कौन सा हो गया, ये मडगांव से चेन्नई हो गया, ये वाला जो है ये कौन सा है, मडगांव है, मडगांव यानी कि गोवा, गोवा यानी मडगांव, मडगांव गोवा का एक पार्ट है, और वहां से कहाँ तक, ये चेन्नई तक। तो ये कौन सा हो गया, साउथन हो गया। इसकी कितनी लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है लगभग 900 किलोमीटर। और इसकी कितनी लेंथ है, दिख भी रही होगी आपको, ये नॉर्मल जितनी लेंथ है कितनी होगी इसकी, इसकी होगी 115, यानी कि 115, 1115 किलोमीटर। सारा चीज़ क्लियर हो गई, ये दोनों लगभग सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 2330 किलोमीटर, ये कितना है 1504, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक है 1483, और ये रिमेनिंग जो है वो कितना है, लगभग 400 किलोमीटर। तो कुल मिला के 1840 किलोमीटर ये लुधियाना से दनकुनी तक बनता है ईस्टर्न डीएफसी में। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी कितनी स्टेट्स को ये कवर करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वेस्टर्न कवर करता है 5 को और ईस्टर्न कवर करता है 6 को। ये चीज़ कवर हो गई प्रॉपर तरीके से। अब देखो यहाँ ऑपरेशनल की बात हो रही है, तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों जो हैं ऑपरेशनल हैं और जून 2022 तक कम्प्लीटली बन जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ईस्टर्न की, प्रॉपर तरीके से ईस्टर्न की बात करेंगे। इसमें क्या है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये नॉर्थ से ईस्ट को जोड़ता है, लुधियाना में, लुधियाना पंजाब में दनकुनी तक, जो कि कोलकाता में, कोलकाता कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद इसकी आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी जाए तो कितनी कवर करता है, 1840 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। दिस कॉरिडोर विल हैव वे 46 किलोमीटर ब्रांच लाइन विच शेल ज्वाइन खुर्जा ऑन द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विद दादरी ऑन द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। द वर्ल्ड बैंक इज फंडिंग, इसको मैं अभी बता दूंगा आपको डायग्राम में, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक इज फंडिंग ए मेजोरिटी ऑफ द ईडीएफसी, यानी ईडीएफसी को कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। वहीं आपसे डब्ल्यूडीएफसी का पूछा जाएगा तो जापान उसको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है, आपसे नेक्स्ट उसमें स्लाइड में मैं ही बता दूंगा। ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, इसका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ है ईडीएफसी का, तो वो है प्रयागराज में, और इसको बिल्ड किसने किया है, अलस्टोम ने। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन इन द सेक्शन इज प्रोजेक्टेड एच 163 ट्रेन, यानी कि इस पूरे सेंक्शन में, इस पूरे प्रोजेक्ट में कितनी ट्रेन रन में है, कितनी प्रोजेक्टेड है, 163। लेकिन ये 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग है, यानी 2024 तक 163 जो ट्रेन है वो प्रोजेक्टेड है, वो रखी गई है कि 163 ट्रेन हम चला देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली क्या है, वेस्टर्न में एक पॉइंट है और ईस्टर्न में एक पॉइंट है, और ये खुर्जा और दादरी के बीच में एक ब्रांच लाइन है जिस जो कि कितनी है, 46 किलोमीटर के। तो जो वेस्टर्न और ईस्टर्न डीएफसी को एक अलग लाइन से जोड़ती है, बेसिकली इन दोनों का मीट पॉइंट तो दादरी है, लेकिन खुर्जा से जो आपका पॉइंट कौन सा है, ये वाला, हाँ, खुर्जा से दादरी का जो पॉइंट है उसका मीट पॉइंट कितना है, वो 46 किलोमीटर की लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ईडीएफसी जो है इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेसिकली ये कितनी स्टेट को कवर करता है, कितनी स्टेट से गुजरता है, तो वो गुजरता है 6 स्टेट से। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है 1058 किलोमीटर, और सबसे कम है हरियाणा, ये आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल दोनों डीएफसीज में देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा किलोमीटर को कवर करता है, तो टोटल करके देख लेना बाद में। ईडीएफसी विल मोस्टली हैव डबल ट्रैक एंड विल बी इलेक्ट्रीफाइड, बट द सेंक्शन फ्रॉम लुधियाना टू खुर्जा इन उत्तर प्रदेश 400 किलोमीटर विल बी सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ड्यू टू लेक ऑफ स्पेयर। ये क्या है, कम्प्लीटली डब्ल्यू डी एफ सी है, वो तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है, डबल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड, डबल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड, वो मैं बता दूंगा डबल ट्रैक का मतलब क्या है। लेकिन जो ईस्टर्न डी एफ सी है उसमें
1483 किलोमीटर लगभग, इतना जो है 1483 या 1440 किलोमीटर समथिंग, तो कम्प्लीटली डबल इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन 401 किलोमीटर समथिंग वो आपका सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। किसकी वजह से? स्पेस ना मिलने की वजह से। बेसिकली ये क्या है वो देख लेंगे आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं WDFC, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कनेक्ट करता है दादरी को दिल्ली से, सॉरी दादरी को कहाँ से, नवी मुंबई JNPT तक। ठीक है, द कॉरिडोर विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1483 किलोमीटर, ये बेसिकली कितनी हो गई, 1504 किलोमीटर हो गई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड की लिख रहा है, जिसकी वजह से कितनी है यहाँ पर मेंशन कितनी की गई है 1483, जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है तो इसलिए उसको कम्प्लीटली नहीं लिखा गया है। 1483 जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, डबल लाइन ऑपरेशनल, और टोटल कितनी है वैसे, 1504। WDFC एंटेल ए न्यू सिंगल लाइन ब्रांच फ्रॉम प्राथला टू तुगलकाबाद रनिंग पैरेलल टू एग्जिस्टिंग दिल्ली मथुरा मेन पैसेंजर लाइन। द रूट फ्रॉम रेवाड़ी टू दादरी एंड खुर्जा जंक्शन इज एंटायरली ए न्यू लाइन। वेस्टर्न DFC मीट ईस्टर्न DFC एट खुर्जा। खुर्जा आप पे क्या होते हैं, दोनों मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न DFC एंड EDFC, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, वहाँ फंडिंग कौन कर रहा था, वहाँ कर रहा था वर्ल्ड बैंक, यहाँ कौन कर रहा है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इज फंडिंग मेजोरिटी ऑफ EDFC। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन इन द सेंक्शन इज प्रोजेक्टेड एज 230 सेम 2024 तक, जब तक गवर्नमेंट जाएगी तब तक प्रस्ताव किया है उसने, प्रस्तावित किया है कि 230 ट्रेन हम चला देंगे WDFC में, और EDFC में कितनी चला देंगे, 163 ट्रेन चला देंगे। अब यहाँ पर इसको डायग्राम को सेम मैंने जो है वेस्टर्न DFC को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ये पॉइंट, और ये मीट पॉइंट कौन सा है, ये खुर्जा, ठीक है। अब इसकी बात पूछी है कि WDFC कितनी स्टेट को कवर करता है, तो 1 2 3 4 5 स्टेट को कवर करता है, वहीं EDFC कितनी स्टेट को कवर करता था, कितनी स्टेट से पास होता था, तो वो होता था 6 स्टेट से। इसके बाद दूसरा आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा रूट लेंथ कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा रूट जो है वो राजस्थान में 567 किलोमीटर, और सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, और EDFC में क्या हो गया, उल्टा हो गया, राजस्थान तो 0 हो गया और उत्तर प्रदेश 1000 से ऊपर चला गया। तो टोटल आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो है DFC कॉरिडोर बनाए गए हैं, कॉरिडोर जो लेंथ है वो रखी गई है वो कितनी है, 1000 से ज़्यादा है टोटल मिला के अभी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें है कि फ्रेट ट्रेन विद 1.5 किलोमीटर लेंथ, 3660 mm विड्थ एंड 7.1 मीटर हाइट क्लियरेंस ए फर्स्ट एंड ओनली इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो फ्रेट ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई तो है 1.5 किलोमीटर, पहले IR के सपोर्ट में कितनी चलती थी, 700 मीटर, और अभी फ्रेट अलग से कॉरिडोर बने हैं तो जिसमें क्या हो गया है, उसकी ट्रेन की लंबाई दुगनी कर दी है, प्लेटफॉर्म कितना हो गया, प्लेटफॉर्म 2 किलोमीटर का हो गया है, और इसमें जो विड्थ है, जो कंटेनर रखे जाते हैं उनकी जो चौड़ाई है वो है 3.6 मीटर, और वहीं इसकी जो हाइट है फ्रॉम यहाँ जो पहिए हैं उनके बॉटम से लेके कंट हाईएस्ट जो हाइट है वो है 7.1 मीटर। ये अभी WDFC में कम्प्लीटली बना हुआ है, और इसके साथ क्या होता है, एक जो है पेंटोग्राफ बनाया जाता है। पेंटोग्राफ क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है, जो वायर्स होते हैं उससे एक पेंटोग्राफ कनेक्ट किया जाता है, तो उसकी लंबाई होती है 0.4 मीटर, उसकी हाइट होती है 0.4, तो टोटल मिला के जो ट्रेन है उसकी हाइट बन जाती है 7.5 आफ्टर पेंटोग्राफ। ऑल DFCs विल हैव 1.676 मीटर ट्रैक गेज, बेसिकली ये ब्रॉड गेज का यूज करते हैं, जितनी भी DFCs हैं वो ब्रॉड गेज का यूज करते हैं, या फिर जिसको बोल सकते हैं वाइड गेज, एंड ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कारण उसका कि उससे मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर मिल जाती है, लेकिन प्रेजेंट में 75% ऑफ 100 क्या यूज कर रहा है, DFC यूज कर रहा है स्पीड के मामले में। नेक्स्ट है इसमें कि डबल स्टैक स्टैंडर्ड शेप्ड कंटेनर ट्रांसपोर्टेड थ्रू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विल ट्रेलिंग लोड्स ऑफ 15,000 टन। अभी प्रेजेंट में आपसे पूछा जाए कितने टन को कैरी करता है, तो 15,000। ट्रेन विद 400 कंटेनर, और कितनी कंटेनर कैपेसिटी है, तो वो है 400, ए फर्स्ट एंड ओनली इन द वर्ल्ड। ब्रिज एंड फॉर्मेशन टू ट्रांसपोर्ट 32.5 टन एक्सल लोड बेसिकली रखा गया है, बट स्टार्टिंग में कितना वो सपोर्ट कर रहा है, DFC कितना जो है स्टार्ट कर रहा है, तो 25 टन से स्टार्ट कर रहा है, 25 टन एक्सल लोड स्टार्ट किया है, लेकिन स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन है वो किस अकॉर्डिंग, कितने अकॉर्डिंग किया गया है, वो 32.5 टन एक्सल लोड के अकॉर्डिंग किया गया है। नेक्स्ट है इसमें 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विद 12,000 हॉर्स पावर। यहाँ पर आपने WAG 12 देखा होगा, WAG 12 का मतलब क्या है,
ये बेसिकली डिब्बे का नंबर, इंजन का नंबर रखा जाता है, और 12 का मतलब यहाँ पर 12,000 हॉर्स पावर से है। तो जो अभी प्रेजेंट में DFC यूज कर रहा है वो कितने कर रहा है, वो 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन यूज कर रहा है, कितने, 800 इलेक्ट्रिक। और पहले इंडियन रेलवे कौन सा यूज करता था, वो हाईएस्ट यूज करता था WAG-9, और ये कितने पावर के होते थे, या तो 9,000 या 6,000 या 4,000 पावर के। नेक्स्ट है इसमें हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन सच एज WAG-12 रनिंग एट ए स्पीड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर हार, रेडियो कम्युनिकेशन एंड GSM बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ ऑल ट्रेन ए फर्स्ट इन इंडियन रेलवे सेक्टर। ये जो WAG मैंने आपको बता दिया कि ये जो इंजन है ये 100 किलोमीटर की स्पीड तक को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। DFC कॉरिडोर हैज़ नो लेवल क्रॉसिंग एंड यूजेज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। DFC एम टू ब्रिंक डाउन द कॉस्ट ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्यूल, बिगर एंड लार्जर ट्रेन। दिस विल हेल्प इंडियन इंडस्ट्री टू बिकम कम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट। बेसिकली यहाँ पर जो DFC है उसका एम मैंने स्टार्टिंग बताया था, उसका मेन एम क्या है, उसका मेन एम यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरह से कम होगी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर जो डीजल्स हैं उसको अगर हम यूज़ ना करके इलेक्ट्रिक पर सिस्टम पर काम करें तो उससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, और ये देखने को मिला भी था। ठीक है, DFC विल हेल्प इंडिया अचीव द टारगेट इट हैज़ कमिटेड टू इन द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड बाई माइग्रेटिंग फ्रॉम डीजल प्रोपेल्ड फ्रेट ट्रेन्स एंड फॉसिल फ्यूल बेस्ड रोड ट्रैफिक टू इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड रेलवे लोकोमोटिव। जो DFC है उसने, DFC ने क्या किया है, इंडिया को उस टारगेट को अचीव करने में मदद किया है जो उसने पेरिस क्लाइमेट में चेंज में किया था। वहाँ पर उसने क्या किया था कि हम कम से कम कार्बन इमिशन करेंगे, और वो कैसे पॉसिबल हो पाया कि जो डीजल है और फॉसिल फ्यूल्स है उनकी जगह पर अब इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाने लगा। तो DFC बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है किसके लिए, पूरे GDP में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। द न्यू जनरेशन पेंटोग्राफ अलाउ एन इंक्रीज इन द हाइएस्ट ऑफ द ओवरहेड वायर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड 6 मीटर टू 7.5 मीटर, सेटिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाई रीच पेंटोग्राफ फॉर हाइएस्ट कैटनरी फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। दिस विल आल्सो इनेबल इंडियन रेलवेज टू इंट्रोड्यूस डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन इन हाई डेंसिटी सबर्बन पैसेंजर रूट एंड रोरो कार्गो सर्विसेज अक्रॉस द इंडियन रेलवे। बेसिकली क्या है कि एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए पेंटोग्राफ टाइप का एक इक्विपमेंट लगा दिया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी वायर से कनेक्ट होता है, जो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी लेता रहता है और ट्रेन को देता है। तो ये कंप्लीट जो चीज़ें हैं ये अभी पैसेंजर ट्रेन में स्टार्ट कर दी गई हैं, डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन में स्टार्ट करने की कोशिश की गई है। और ये बेसिकली क्या है, इससे जो लेंथ है, जो ये लेंथ है ये पेंटोग्राफ की वजह से, वो लेंथ बढ़ के अब 6 मीटर थी, पहले अब कितनी हो गई 7.5 मीटर। कैसे, जो डबल स्टैक ट्रेन्स हैं, जो कंटेनर के ऊपर कंटेनर वाली ट्रेन है DFC में, वो कितनी है, वो 7.1 मीटर की हाइट है, और वहीं EDFC में जो ट्रेन है वो चलती है 5.1 मीटर की हाइट पर। तो इस 7.1 मीटर की जो हाइट है इसमें पेंटोग्राफ की हाइट और जोड़ लो 0.4 मीटर, तो करीब 7.5 मीटर हो जाएगी। तो जो पेंटोग्राफ है वो अलाउ एन इंक्रीज द हाईएस्ट ऑफ ओवरहेड वायर्स, यानी बेसिकली कितनी हाइट को कितनी हाइट पर है, वो 5 मीटर की हाइट पर है जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि इंडियन पैसेंजर रेलवे नेटवर्क विल बी एबल टू रन सेमी हाई स्पीड एंड हाई स्पीड ट्रेन्स इन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क एज कार्गो ट्रैफिक विल माइग्रेटिंग टू DFC। जब से DFC आया है तब से क्या हुआ है, कार्गो ट्रैफिक जो है वो DFC की तरफ मूव कर गया है। जितना भी ट्रैफिक था, जितना भी जो गुड्स थे उनको ट्रांसपोर्ट करने का जितना भी ट्रैफिक होता था पैसेंजर रूट्स पे इंडियन रेलवे में, वो सब DFC की तरफ चला गया है, जिससे इंडियन जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन्स क्या हो पाएंगी, चल पाएंगी। ईस्टर्न DFC मे नॉट बी एबल टू सपोर्ट रोरो सर्विसेज एज इट हैज़ हाइट 5.1 मीटर कंपेयर्ड टू 7.1 मीटर ऑफ द WDFC। बिकॉज ऑफ दिस ओनली WDFC मे बी एबल टू सपोर्ट रोरो सर्विसेज। रोरो सर्विस आर डेवलप्ड इन ईस्ट सेंट्रल रेलवे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन विद कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे में ही रोरो सर्विसेज चलती हैं। अब आपको दिमाग में एक चीज़ आई होगी, रोरो सर्विसेज होती क्या हैं। तो देखो, ये तो पेंटोग्राफ है जो ट्रेन के ऊपर एक इक्विपमेंट लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी वायर से कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी वायर से कनेक्ट है, और ये कुछ इक्विपमेंट इस तरह से होता है। ज़्यादा फंक्शन आपसे पूछेगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। पेंटोग्राफ इसकी डिज़ाइन के ऊपर बोलते हैं कि डिज़ाइन इसकी पेंटोग्राफ जैसी होती है, इसलिए इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। तो ये क्या है, ये वायर से कनेक्ट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेता है और ट्रेन को दे देता है।
अब इसके बाद एक रोरो सर्विसेज, वो ये तो डबल स्टैक हो गई, कंटेनर के ऊपर कंटेनर चढ़ा हुआ है तो ये डबल स्टैक ट्रेन हो गई। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो इससे वायर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0.4 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये जो पेंटोग्राफ है ये लगभग आप ये मान लो कि इतना ऊंचा है कि इस जो डबल स्टैक ट्रेन है, ये डबल स्टैक जो कंटेनर है इससे भी 0.4 मीटर की है, कहीं कंटेनर वायर से टच ना हो जाए इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट इसमें रोरो सर्विसेज का, रोरो सर्विसेज कुछ इस तरह से हैं कि ये जो है ट्रैक, इस पर ट्रक्स को लोड कर दिया जाता है, ट्रक्स में गुड्स होते हैं तो वो क्या होती हैं, वो सामान को कैरी कर लेती हैं। अब इनको क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है, पहली बात तो इसको समझने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं इसमें, कि यह मेंशन है कि जो रोरो सर्विसेज हैं उसको WDFC में यूज करते हैं, EDFC में यूज नहीं करते हैं। उसका कारण ये कि EDFC में क्या होता है 5.1 मीटर की है, और जो रोरो सर्विसेज हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा हाइट चाहिए उनकी इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए, और यहाँ WDFC है इसमें 7.1 मीटर यूज़ होता है, 7.1 मीटर की हाइट होती है ट्रेन्स की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं रोरो सर्विसेज को यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि WDFC EDFC में से किस जगह पर रोरो सर्विसेज यूज होती हैं, तो वो होती है WDFC में, और बेसिकली रोरो सर्विसेज किसका पार्ट है, तो वो कोंकण रेलवे का है, रोल ऑन रोल ऑफ। इसके बेनिफिट क्या हैं, जो रोरो सर्विसेज हैं उसके बेनिफिट हैं, पहला तो ये कि इसमें फ्यूल बचता है, काफ़ी सारा फ्यूल बचता है। आपने देखा होगा अभी ट्रक जो है वो लोडेड हैं, तो ट्रक का जो फ्यूल है अब वो क्या होगा, वो बचेगा, तो इंडियन रेलवे में इतना फ्यूल नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, तो फ्यूल कंजप्शन जो है वो कम हो जाता है। स्पीड ऑफ रोरो ट्रेन्स इज फास्ट इनफ एज कम्पेयर टू मूवमेंट बाई रोड, बाई रोड जो ट्रक चलेंगे अब और ट्रेन जो चलेगी तो उसके बीच में ट्रैफिक अगर देखा जाएगा तो ट्रेन में कम ट्रैफिक होगा, जिससे स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो रोरो सर्विसेज में क्या होता है कि स्पीड ज़्यादा होती है, रोरो ट्रेन्स की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू रोड, जब हम ट्रांसपोर्ट रोड से करते हैं उसके कंपेयर में। टर्मिनल टाइम टू लोडिंग अनलोडिंग इज जस्ट 15-20 मिनट इन रोरो सर्विसेज। बेसिकली क्या है, यहाँ पर ट्रक पर लोड किया, ट्रक मूव किया, देन ट्रक से क्या है अनलोड किया, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब ट्रक को ही सीधा लोड कर दिया तो क्या हुआ, जो टाइम है लोडिंग का अनलोडिंग का वो बहुत कम हो जाता है। नो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट कम होते हैं, क्योंकि कोई भी रेल रूट पर नहीं होता, जो रोड्स होती हैं उन पर काफ़ी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। नो वियर एंड टीयर ऑफ ट्रक्स, पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चलने का रहता है सिस्टम। नो पेपर वर्क, स्टेट वाइज जब कोई ट्रक क्रॉस करता है तो वहाँ पर उसको पेपर वर्क करना पड़ता है, काफ़ी सारा टाइम कंजम्पशन होता है। अब इस ट्रेन रूट की वजह से कोई भी पेपर वर्क नहीं होता, किसी भी स्टेट से होकर गुजर सकती है ट्रेन। ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं रोरो सर्विसेज के। इसके बाद नो वियर एंड टीयर ऑफ ट्रक्स, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी सारी चीज़ें। ठीक है, की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि DFCs के की पॉइंट्स क्या है। तो DFCs के जो की पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए और वो इंपॉर्टेंट है, 32.5 टन लोडिंग स्टैंडर्ड फॉर ब्रिज एंड फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन 25 टन तक हमने स्टार्ट किया हुआ है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम रेल लेवल टू गेज कितना है, 2.45, और रेशियो टू मैक्सिमम विड्थ टू गेज वो कितनी है, 1.90। नेक्स्ट टेस्ट में रूलिंग ग्रेडियंट तो वो है 1 in 200। मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर 2.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि जब ट्रेन चलती थी, इंडियन रेलवे का जो ट्रैक था तो वहाँ रूलिंग ग्रेडियंट डिग्री से मतलब ये है कि जो कर्व था, आपने देखा होगा कई जगह पर कर्व देखने को मिलता है ट्रैक्स में, तो कर्व ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते थे, एक तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ती थी, काफ़ी सारी और दिक्कतें आती थी, और लोड है उसको भी मेंटेन करना पड़ता था IR में। लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा डिग्री ऑफ कर्वेचर बढ़ा दिया गया है, 2.5 डिग्री तक कर दिया गया है स्पीड, जिससे क्या हो गई है, परमिसिबल स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर हार हो गई है। मतलब परमिसिबल से मतलब ये है कि 100 किलोमीटर पर हार तक आप जा सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है, 75 किलोमीटर पर हार पर वर्क कर रहा है DFC। डिप्लॉय हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर WAG 12। नेक्स्ट है इसमें कि फॉर्मेशन विड्थ कितनी होगी, तो फॉर्मेशन विड्थ जो है डबल लाइन की 13.5 मीटर एंड सिंगल लाइन की 7.6 मीटर। मूविंग डायमेंशन में वर्टिकल MMD ऑफ 7.1 मीटर वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए, और ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए कितना, 5.1 मीटर। ट्रैक सेंटर 6 मीटर है DFC में बिटवीन एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे ट्रैक एंड DFC ट्रैक। जो DFC ट्रैक है उनके बीच में और IR के ट्रैक के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 6 मीटर की डिस्टेंस है। लूप लेंथ यहाँ कितना है, नॉर्मल लूप लेंथ 750 मीटर। बेसिकली ये रेडियस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी रेडियस तक जो है इसको कवर कर सकता है, तो जो हमने अभी पढ़ा कर्वेचर,
तो वहीं 750 मीटर को भी हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। आपसे पूछा जाए कि कितनी डिग्री तक ये जो है कर्वेचर है, तो 2.5 डिग्री रेडियस के टर्म में पूछा जाए कि कितनी रेडियस तक जो है ट्रेन जो है टर्न होती है, तो वो है 750 मीटर रेडियस। रेडियस के अकॉर्डिंग बात हो रही है, पूरा 750 मीटर रेडियस का सर्किल, तो ट्रेन उस पर इजीली मूव हो जाएगी डीएफसी वाली। जंक्शन स्टेशन कितने हैं डब्ल्यूडीएफसी में, 17, और ईस्टर्न में कितने हैं, 27। बेसिकली ईडीएफसी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर जंक्शन स्टेशन भी होंगे, वो ज़्यादा नंबर ऑफ जंक्शन स्टेशन ज़्यादा होंगे। ओ एंड एम एक्सपेंसेस हैव बीन एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन ए बॉटम अप अप्रोच। ओ एंड एम का मतलब क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो एस्टिमेट किया जाता है वो किस अप्रोच पर बेस्ड है, वो है बॉटम अप अप्रोच। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि डीएफसी जो है वो किस अप्रोच पर वर्क करता है, तो वो करता है सूझो और बुझाओ, प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट। नेक्स्ट है इसमें लॉजिस्टिक पार्क्स। देखो लॉजिस्टिक पार्क्स बेसिकली क्या होते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिया गया है भाई, इस पर एक लाइक मार देना, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लॉजिस्टिक पार्क है। लॉजिस्टिक पार्क में क्या होता है, जैसे ये ट्रक आपको दिख रहे हैं यहाँ आए और उन्होंने कंटेनर को यहाँ लोड कर दिया, तो बेसिकली पहले क्या होता था, इंडियन रेलवे ट्रैक्स पर कोई ऐसे लॉजिस्टिक पार्क्स नहीं थे, तो जो सामान रखा रहता था उन पर चार्ज होता रहता था। अब क्या है, ये शिप खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये फटाफट से जो कंटेनर है उनको ले लेगा और अपना आगे बढ़ जाएगा। अब इनको भी अपना जो है किराया नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रक आ रहे हैं, फटाफट से लोड किया और चले गए अपना, इनको भी वेट नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ लोड करें, सामान तो हटा ही नहीं है और ऐसा वैसा। तो इनको बोलते हैं लॉजिस्टिक पार्क। तो ये लॉजिस्टिक पार्क के यूज आपको देखने पे समझ में आ गए होंगे, बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग 10 कंपनीज हमारे इंडिया में हैं लॉजिस्टिक पार्क्स की, और कितने लॉजिस्टिक पार्क हैं ये आइडेंटिफाई नहीं है, बट DFCCIL ने जो इस प्लानिंग टू डेवलप लॉजिस्टिक पार्क्स एट न्यू निलीजी एंड न्यू कानपुर, 34 लोकेशन हैव बीन आइडेंटिफाई। अब तक 34 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई हैं, हालांकि कई जगह पर 35 लिखा हुआ है, लेकिन आप 34-35 में से जो आंसर कर पाओ, जो वहाँ पर ऑप्शन हो वो आंसर कर देना। सबसे पहले 34 को प्राथमिकता देना, अगर नहीं ऑप्शन में तो 35 कर देना। 34 जो है लोकेशन आइडेंटिफाई की गई हैं ये जो है लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने के लिए। अब बेसिकली लॉजिस्टिक पार्क्स में कंपनी जो है, एक आध कंपनी का नाम बताऊँगा तो आप समझ जाओगे कि कितनी अमीर हो जाती है कंपनी। अडानी ग्रुप जो है उसका ही ये लॉजिस्टिक पार्क है जो आसाम में है, ठीक है, ये वाला आसाम का लॉजिस्टिक पार्क्स है। अब ये न्यू निलीजी क्या है, बेसिकली न्यू निलीजी एक स्टेशन है, तो उसके पैरेलल में जो डीएफसी के लिए स्टेशन बनाया गया है उसको बोलते हैं न्यू निलीजी। सब जगह न्यू लगा दिया गया है, न्यू कानपुर। इसके क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक तो ये है कि एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट लिंक होता है, ट्रक आया उतार दिया सामान और यहाँ से लोड किया शिप ने और चले गए। कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पर, सीधा सीधा कस्टम जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टम का कोई झंझट नहीं होता। और राउंड टू क्लॉक सर्विस, बहुत जल्दी टाइम टू टाइम चीज़ें हो जाती हैं, कॉस्ट सेविंग होती है। एनहांस सिक्योरिटी सिस्टम, और इसके बाद सिर्फ इतना ही था आई थिंक, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ो, इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने